ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डील करने वाले हैं हम आज। तो फिर से एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लेता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। और इस ओरिजिन पे एक चार्ज मैंने मान लिया, यहाँ पे एक चार्ज रखा है हमारा पॉइंट चार्ज, जो कि होगा कैपिटल क्यू। ठीक है, ये इतना पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे मान लिया। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई चार्ज और है, जो कि होगा आपका प्लस क्यू चार्ज। ये तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम करता है। हमने क्या देखा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो हमारा चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया और ये इस फोर्स को यहाँ पे, इस फोर्स की वजह से इसको रिपेल कर देगा। तो ये रिपल्शन आपको दिखाई दे रही है। तो इस पूरी प्रोसेस में आप एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जब ये चार्ज यहाँ आया तो फोर्स लग गया, जब ये चार्ज नहीं था, जब ये चार्ज यहाँ पे नहीं था तो क्या था यहाँ पे, ऐसा क्या था इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, ये जो पी पॉइंट पे जिस पे मैंने चार्ज रखा हुआ है, पहले इस पी पॉइंट पे क्या था कि अब यहाँ पे चार्ज आने की वजह से एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया है। तो इस पी पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो होगा ना पहले। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए कि पहले यहाँ क्या था, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने फील्ड का कंसेप्ट डेवलप किया है। तो फील्ड क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया कि इस पी पॉइंट पे पहले फील्ड था, इस चार्ज की वजह से, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे एक फील्ड बना हुआ है। तो उस फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया, उस फील्ड को हमने ऐसे डिफाइन किया कि फील्ड वो रीजन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के चारों तरफ, कोई भी, जैसे ये मान लेते हैं कोई चार्ज है आपका, तो इस चार्ज के चारों तरफ का फील्ड है, तो उसको एक नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जैसे कोई मास होता है यहाँ पे, मास के चारों तरफ का फील्ड, अब उसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दिया है। एक मैग्नेट के चारों तरफ का फील्ड, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया है। तो फील्ड क्या है बेसिकली, तो फील्ड एक वो रीजन, वो स्पेस है किसी भी चार्ज के चारों तरफ का, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, जहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, इसकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो यहां से फील्ड का कंसेप्ट आता है। तो ये जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया, जहां पे क्या, एक चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे उस फील्ड की प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। लेकिन मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकली ये जो फोर्स है आपका, इस फोर्स को लेंगे हम और इस फोर्स से ही हम इस फील्ड को, या फिर ये जो फील्ड है अगर उसकी स्ट्रेंथ को हम देखना चाहें तो इसको नापेंगे अब। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ आता है, और एक ऐसी क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताएगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ई से डिनोट करने वाले हैं। ई से आप इसको नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं इसको सिंपली, कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है उतना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करने वाले हैं किसी भी पॉइंट पे। तो कैसे डिफाइन किया गया है, हमने इस फोर्स को देख लिया कि भाई कोई चार्ज जब आता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, जितना फोर्स लग गया उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोल दिया गया कि जितना फोर्स लग रहा है उसी फोर्स से क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। लेकिन हमने देखा अगर इसी पॉइंट पे अगर मैं Q1 चार्ज लेके आया हूं, जैसे कोई ये चार्ज लेके आया हूं, तो अलग फोर्स है। Q2 अगर चार्ज लेके आता, कोई और चार्ज लेके आता, जैसे ये पॉजिटिव है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले आता तो फोर्स का मैग्नीट्यूड शायद सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग आती है। तो हर बार या तो मैग्नीट्यूड बदल जाता है अलग फोर्स लेके आने से, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसको हमको स्पेसिफाई करना है कि ये चार्ज अपनी जगह से नहीं हिला और ये पी पॉइंट भी अपनी जगह पे ही है, उसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे जो फील्ड बनने वाला है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो फोर्स से हम डेफिनेशन बना रहे हैं, इसको कांस्टेंट की तरफ लेके जाने के लिए, इसको कांस्टेंट करने के लिए
हम इस चार्ज को कांस्टेंट कर देते हैं, और हमने ऐसा बोला कि यूनिट चार्ज हम लेंगे आज के बाद, ठीक है। और यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलना है, एक यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है आपकी किसी भी पॉइंट पी पे, ये पी पॉइंट कैसा है आपका, ये पी पॉइंट, यहां से अगर मैं ओरिजिन से इस पी पॉइंट को डिफाइन करना चाहूं तो यहां से इसका एक पोजीशन वेक्टर बनेगा आर वेक्टर, और यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर देखेंगे या फिर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखता हूं तो उसको आर मान लेता हूं, मतलब मैं इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं जो कि आर है मेरी बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, इस आर पॉइंट पे, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ आर। जैसे हम एफ एक्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो जो फंक्शन है, जैसे वाई है तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये मतलब है इसका यहां पे। ओके, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर क्या बनने वाला है, फोर्स, जब वो चार्ज कहाँ रखा है, आर पे ही रखा है पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है इसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। अगर वेक्टरली इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो ये बन जाएगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी बनने वाली है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर इज इक्वल टू फोर्स एट दैट पॉइंट व्हेन क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर बात करते हैं डायरेक्शन की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो सेम एज द फोर्स, सेम एज द फोर्स, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, वही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और फोर्स किसके ऊपर, इस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमारा इस पॉजिटिव क्यू की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज आपने रखा, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रिपल्शन का फोर्स लगने वाला है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ना बेसिक हमने फॉर्मूला बना लिया यहां से। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं यहीं पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स कैसा है आपका, तो फोर्स होता है आपका न्यूटन में, और चार्ज किस में मापते हो आप, कूलम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगर डायमेंशंस की बात करोगे तो क्या होगा, फोर्स के डायमेंशन यहां पे रखो ऊपर, तो फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो फोर्स के डायमेंशन लिखो। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू, और चार्ज के क्या होते हैं, चार्ज के होते हैं ए टी। यहां से सोल्व करोगे एम वन एल वन, ये ऊपर जाके -3 और ए ऊपर जाके -1, तो ये डायमेंशंस बनने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस ये बन गए। और जब मैं किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को उस क्वांटिटी के साथ इक्वेट करता हूं तो डायमेंशनल इक्वेशन बनती है। तो ई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दिस इज इक्वल टू ये फैक्टर, तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये हमने डायमेंशनल इक्वेशन लिख दी है। लेकिन एक बात और हमको यहाँ पे देखनी है, ये जो चार्ज आपका आया है यहाँ पे, ये वाला जो चार्ज आया है, और इस चार्ज की हमको बात करनी है। देखो मैं इस चार्ज के फील्ड को फील करना चाहता हूँ, इस चार्ज ने कितना फील्ड इस पॉइंट पे बनाया है हम ये निकालना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई चार्ज हम लेके आए, कोई चार्ज हम लेके आए जिस, इस चार्ज की हेल्प से हमने क्या क्या है, इस चार्ज की हेल्प से हम इसके फील्ड को टेस्ट करना चाहते हैं कि कितना है कितना नहीं है। तो ये जो हम चार्ज लेके आते हैं इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, ये वाला चार्ज, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका सोर्स चार्ज,
और जिस चार्ज की हेल्प से हम ये सारी चीजें निकालना चाहते हैं, इसके फील्ड को एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि किस पॉइंट पे कितना निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से अगर फील्ड बना है तो इस चार्ज की वजह से भी तो बनेगा ना फील्ड, ठीक है ना। और दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके उस फील्ड को, किसी भी पॉइंट के फील्ड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा टेस्ट चार्ज हो वो बहुत ही स्मॉल हो, जिससे उसका फील्ड भी बहुत स्मॉल हो, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास कि टेस्ट चार्ज आपका बहुत ही स्मॉल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, तो वेरी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। कितना स्मॉल? इतना स्मॉल कि वो लगभग किसको अप्रोच करे, जीरो को अप्रोच करे, इतना स्मॉल हमको लेना है। क्योंकि जितना छोटा चार्ज होगा उतना ही बेटर आपका आंसर आने वाला है, उतना ही बेटर इसका फील्ड हम बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, टेस्ट चार्ज की प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ये हमने हमेशा पॉजिटिव लिया है, टेस्ट चार्ज को हम बाय कन्वेंशन है, ये बाय कन्वेंशन चीजों को आसान करने के लिए या चीजों को डिफाइन करने के लिए हमने जो स्टार्टिंग में माना है वही मान के चलते हैं हर बार, तो ये पॉजिटिव ही मानते हैं। तो टेस्ट चार्ज के पास दो प्रॉपर्टी, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए कि जीरो का अप्रोच करे, और क्या होना चाहिए, और वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये टेस्ट चार्जेस की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से डिफाइन करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले को, तो ये बेटर रहेगा कि मैं ऐसा लिख दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज और लिमिट क्यू अप्रोचेस टू जीरो। हमारा चार्ज किसको अप्रोच कर रहा है, लगभग जीरो को, मतलब ये टेस्ट चार्ज लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला बन चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमने अभी निकाली थी, न्यूटन पर कूलम होती है। एक और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी यूनिट आने वाली है, लेकिन वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब हम बात करते हैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से आने वाला क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है, फिर हम पढ़ेंगे कि एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्जेस हैं उनकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने वाले हैं। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से देखना है फिलहाल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। फिर से ये आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज हमने यहां पे देख लिया, और यहां पे कोई चार्ज हम मान ही रहे थे आपका ये वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स आने वाला है एफ, ठीक है, जो रिपल्सिव होगा। ये आपका एफ है, रिपल्सिव फोर्स आने वाला है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी आर, और अगर इस पोजीशन वेक्टर की बात अगर मैं करता हूं तो ये है आपका आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड आप कितना मान लेते हो, आर ही आपने मान लिया। तो इस पी पॉइंट पे, ठीक है, इस पी पॉइंट पे आप क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स ऑन दैट चार्ज और पर यूनिट चार्ज, यही तो फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय चार्ज, कितना चार्ज उससे डिवाइड कर देंगे। तो पहले फोर्स हमने देखा, फोर्स कितना आने वाला है, फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो फोर्स है इन दोनों के बीच में, दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम यही तो पढ़ चुके हैं, और वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो डायरेक्शन भी आनी चाहिए साथ में। तो इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए इस आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही तो डायरेक्शन है फोर्स की। तो इस आर वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहां से क्या बताया गया, यहां से पता चल रहा है कि इस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की, और जो फोर्स की होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहां से हमने फोर्स लिख लिया, फोर्स को डिवाइड करना है चार्ज से, कितना चार्ज आप लेके आए हो, कितने चार्ज के ऊपर फोर्स देख रहे हो, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से आपने डिवाइड कर दिया।
तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाय आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो ये होगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिसकी डायरेक्शन इस आर यूनिट वेक्टर वाली होगी, तो ये यूनिट वेक्टर, ये मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अब हमको बात करनी है कि अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला सिर्फ एक ही चार्ज था। अगर मैं एक और चार्ज यहाँ पे ले लूँ, ये आपका Q1 है, ये मैंने Q2 ले लिया, तो ये भी इसके ऊपर क्या बना सकता है, फील्ड बना सकता है ना, उसकी भी एक डायरेक्शन होगी। एक और चार्ज हमने ले लिया Q3, ये भी यहाँ पे फील्ड बनाएगा। तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे आने वाले हैं, ये हमको देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है। तो फिर से वही अपना एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में बहुत सारे चार्जेस आपके हैं। जैसे एक चार्ज यहाँ ले लिया मैंने, एक चार्ज मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, एक चार्ज मैंने ये मान लिया आपका, और ये वो पॉइंट है आपका पी पॉइंट, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे आपका चार्ज है Q1, यहाँ पे मान लेते हैं Q2, यहाँ पे मान लेते हैं Q3 चार्ज। तो ऐसे तीन या चार चार्ज जितने भी आपको मानने हैं, ये चार्ज माने, और इन्हीं की वजह से P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या देखते हैं कि Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है इस तरीके से, उसका नाम मैंने E1 रख दिया, ठीक है। और यहां से यहां निकालेंगे तो डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो इस डिस्टेंस को हमने कुछ लिख दिया, इस वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं, यहां से यहां तक की डायरेक्शन भी आ जाएगी साथ में, ठीक है, इस डिस्टेंस के साथ। तो इसको मैंने कर दिया वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 टू P, ठीक है, ए वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 टू P। तो P पे पहुंच गए, P पे पहुंच गया, कहां से स्टार्ट किया, 1 से। देखो ये R P1 मैंने कैसे डिफाइन किया, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम फर्स्ट टू पॉइंट पी, पी पॉइंट पे लीड कर रहा है। अलग अलग बुक में आपको इसकी अलग अलग नोटेशन मिल सकती है, कहीं पे आपको R1 पी भी लिखा मिल सकता है, लेकिन वो डिफाइन करने का तरीका उसका अलग होगा। अगर वो 1 P लिखता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो 1 से स्टार्ट करके P पे गया है, मैं यहां पे बता रहा हूं कि वो P पे गया है 1 से स्टार्ट करके, इस तरीके से। ओके, तो डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैंने ये डिफाइन किया है आपका, तो यहां से ये डिफाइन हो चुका है। अब सेकंड की वजह से भी यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन कर दिया मैंने, ये आपका वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 टू P, R2P ये वेक्टर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ E2 निकल आया, और इसकी वजह से Q3 की वजह से यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन किया, ये था आपका RP3 वेक्टर, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से E3 निकल आएगा। आप और भी चार्जेस मान सकते हो अपनी तरफ से, ये हमारा P पॉइंट है, इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमने देखा तीन वेक्टर आ गए हैं, और वेक्टर को ऐड करना आपको बहुत आसानी से आता है। आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पे सभी को सम कर देना है वेक्टरली, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN, EN तक सबको ऐड कर देना है हमको। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी हमारा चार्ज होता है, और डिस्टेंस का स्क्वायर, और एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमको किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी अभी तक, तो सब में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख दो आप, तो यहां से क्या बनेगा हमारा EP
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज E1 किसकी वजह से बना है? Q1 की वजह से बना है। तो Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस देख सकते हो कितनी है, Rp1 स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका वेक्टर है वही मैंने मैग्नीट्यूड मान रखा है, तो इसका स्क्वायर। और डायरेक्शन बताने के लिए क्या, इसी का यूनिट वेक्टर, यही जो वेक्टर हमने माना है इसी का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डायरेक्शन सेम ही है। तो Rp1 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Rp2 स्क्वायर और Rp2 यूनिट वेक्टर अप टू n। तो लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लास्ट वाला चार्ज nth चार्ज है आपका, तो यहाँ पे Pn स्क्वायर और Pn यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला आया, और यहां से कुछ चीजें कॉमन आ सकती हैं आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाली टर्म कॉमन आई, Q1 बाय Rp1 स्क्वायर और P1 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 Rp2 स्क्वायर अप टू लास्ट Qn Rpn स्क्वायर Rpn यूनिट वेक्टर। ये वाली जो टर्म है इसको हम समेशन की फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, तो यहां से बना Ep is equal to 1/4 pi epsilon naught summation Q divided by R, इसको मैं I की फॉर्म में लिख दूंगा, I जनरलाइज कर रहे हैं, तो Pi और Rpi यूनिट वेक्टर, वेयर Ri इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। थैंक यू।